एक व्लॉग जस्ट अभी अभी एंड हुआ है और ये मैं सेकंड व्लॉग स्टार्टिंग कर रहा हूँ मॉर्निंग से। अभी बज रहा है मॉर्निंग का 10 o'clock। मेरा इसके पहले वाला व्लॉग मेरा पूरा मॉर्निंग ट्रिप के ऊपर था और गाइस लकीली अब हवा चलने लगी। इसके पहले बहुत ज़्यादा उमस हो रही थी तो मैं तो घर जाने की सोच रहा था, बट अभी मैं फिर 10-15 मिनट रुक कर ही जाऊँगा। तो चलो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू व्लॉग। वाओ गाइस, अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग अगर ऐसे व्यू से हो तो आई होप कि पूरा दिन बहुत ही शानदार जाने वाला है। पूरी ब्लॉगिंग बहुत ही औसम होने वाली है। पीछे बोट है, लेक है, डीजे है। गाइस सिनेरियो तो देखो, आओ एक नहीं तीन तीन बोटें हैं यहाँ पे भाई। और ये देखो हम ह्यूमंस की कर दो गाइस, कितना कचरा इकट्ठा हुआ यार वहाँ पे। गाइस यार कितना बुरा लगता है, देखो इतना शानदार व्यू है और फिर हम लोग क्या करते हैं। देखो ये सिर्फ वो एक मोमेंट की बात होती है कि अभी जेब में रख ले या यहीं फेंक दें, बस वो इतने से मोमेंट के चक्कर में। देखो गाइस यार मत करो प्लीज़ यार, इतना अच्छा व्यू है ना ख़राब हो जाता है पूरा का पूरा। मेरा तो वो कचरा देख के यार सर मूड ही ऑफ हो गया भाई सच्ची। गाइस घर जाने के पहले हवा अच्छी चलने लगी थी तो मैंने सोचा थोड़ी देर पार्क में घूम ही लेता हूँ। चौकीदार भैया के आने के पहले ये व्यू ले लो। ओ बहुत अच्छा। अरे लो गाय और शेर ने मिलकर पानी खत्म कर दिया। क्रॉस के ऊपर भी बैठ लिए, लोग हेजिटेशन में बैठ ही नहीं पाते। और करो हेजिटेशन और मत कर पाओ मजे। टीली लीली। अरे यार अचानक से बोल दिया, चलो गाइस पाले पड़ जाएंगे यार। पता नहीं कि मुझे ये पेड़ के नीचे रखी साइकिल इतना इन्फेचुएट क्यों करती है। मॉर्निंग आ जाए क्लिपिंग मीट द नेक्स्ट सुपर मॉडल अशोक शुक्ला। गाइस प्लेलिस्ट ऑफ जेन एक्स। मीट माचो मैन। गाइस आइस टी। अब आपको ऐसे करना है। गाइस फाइनली बैक टू होम, सी यू लेटर। चलो गाइस शाम का 6 बज रहा है और मैं तो डैम पर आ गया हूँ बिकॉज मैंने सोचा कि यार चलो थोड़ा नेचर को चीट किया जाए। बिकॉज मैंने ऐसा थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन लगाया है कि पानी का पैटर्न ऐसा बन गया कि थोड़ा सा ऊपर की साइड खिसक रहा है। 8:30 पे पहले बारिश शुरू होती थी थोड़ी थोड़ी, फिर कल 7:30 पे शुरू होने लगी और आज थोड़ा सा 6 o'clock पर ही स्टार्ट होने लगी बारिश। तो चलो आज नेचर को थोड़ा सा चीट करते हैं अपन, इसलिए आज मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया हूँ और फटाफट ब्लॉगिंग करके भाग लेंगे अपन जैसे जो रेन हैवी रेन अगर स्टार्ट होगी। वैसे मेरा कैलकुलेशन ये है कि हैवी रेन तो नहीं होनी चाहिए, कोई छुटपुट लेकिन फिर भी उसमें भीग तो जाते ही हैं तो इतना कुछ हेक्टिक नहीं रहेगा। सो गाइस फाइनली ओवर द डैम। तो चलो थोड़ी वॉक करते हैं, वैसे हवा तो स्टिल है तो टाइम टू कैच द ब्यूटीफुल सिनेरियो जिसके लिए हम लोग आए हैं।
गाइस फाइनली थोड़ा सा मैं बैठ गया हूँ डैम पर, बट आज डैम पे बहुत ही यार स्मेल आ रही है, पता नहीं पूरे वाटर से, तो इसलिए आज ये मेरा बैग में रखा पॉकेट परफ्यूम काम आया। मैंने अपने दोनों हैंड्स के एंड पे लगा लिया है और थोड़ी थोड़ी देर में मैं चली जाऊँ, अदरवाइज बैठना मुश्किल है आई स्वेयर। तो गाइस जैसा कि हम लोग सब लोगों को मालूम है कि पावर ऑफ बिलीफ, आजकल इस बारे में सब लोग बात करते हैं, एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, लाइक सबको बोला जाएगा। और मैं मेरे लास्ट व्लॉग्स में भी ऐसा बोलता गया हूँ कि लाइक जो लोग सेटल जॉब या सेटल माइंड में होते हैं वो लोग ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करते पावर ऑफ बिलीफ। लेकिन फिर भी पहले मुझे लगता था कि यार मैं कितना बैकवर्ड हूँ, मैं तो इन सब में बिलीव ही नहीं करता, पावर ऑफ बिलीव एंड ऑल दैट, व्हाट इज़ दिस, लाइक कौन करता होगा। मेरे को लगता था कि ये पावर ऑफ बिलीव ये बहुत यूनिक चीज़ है, बट जैसे जैसे मैंने एक्सप्लोर किया तो 9 out of 10 पर्सन तो पावर ऑफ बिलीव में ही बिलीव करते हैं लाइक। और जितना लेवल नीचे जाता जाएगा स्किल्स का, उनकी पावर ऑफ बिलीव वो आपको उतनी बड़ी दिखेगी। बट पॉइंट ये है कि अगर पावर ऑफ बिलीव रॉन्ग डायरेक्शन में चली जाए तो कितनी डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। हाँ, जैसे किसी ने सोच लिया कि मुझे किसी की चीज़ लेनी है, ओके, और फिर वो उसके बाद वो पावर ऑफ बिलीव में चला गया कि मैं बिलीव करता रहूँगा कि नहीं एक दिन मैं कामयाब हो जाऊँगा उसकी चीज़ लेने में। तो गाइस ये तो एक बहुत ही रॉन्ग डायरेक्शन, लाइक ये तो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वे में चला गया ना पावर ऑफ बिलीव। सो खतरनाक भी हो सकता है, बिकॉज दिन है तो वो तो दिन ही रहेगा, उसको आप रात नहीं बना सकते। आप पावर ऑफ बिलीव कितना ही कर लो, उसको आप रात तो बना नहीं सकते। सो ऐसा अब इसी वे में हम आगे बढ़ते हैं कि लाइक कि आप एफर्ट कर रहे हो उसकी वो चीज़ लेने में, इन योर पावर ऑफ बिलीव, सामने वाले को मालूम है, हो सकता है वो आपको सिर्फ एक्सक्यूज़ दे रहा हो कि लेट इट गो, और यू डोंट नो कि जब वो रिवर्ट करेगा तो वो कैसा रिवर्ट करेगा, और मे बी उसका प्लान कुछ और हो, मे बी उसको लगता हो, मे बी वो ये सोच रहा हो कि वो आपको एक मिनट में डिस्ट्रॉय कर सकता है, बट ही इज़ गिविंग यू एक्सक्यूजेस, बस आप अभी रुक जाओ, मे बी आप अभी रुक जाओ। हो सकता है वो अपनी डिग्निटी के कारण रुका हो, आपको रिवर्ट नहीं दे रहा हो, बिकॉज उसको मालूम है कि जब वो रिवर्ट करेगा तो आप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाओगे। सो पावर ऑफ बिलीव डिस्ट्रक्टिव हो भी हो सकता है हमारे लिए, सो इसको बहुत सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। पावर ऑफ बिलीव में भी फोकस मैटर करता है कि आपका फोकस कहाँ पर है, अगर आपका फोकस रॉन्ग जगह पर है तो फिर पावर ऑफ बिलीव आपके लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। यस, और एक पॉइंट और कि अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करें अपने आसपास, तो गाइस अनअवेयर लोगों का जो नंबर है वो तो इतना ज़्यादा है कि पूछो मत। उसमें डेजिग्नेशन मैटर नहीं करता, आपकी वर्थ मैटर नहीं करती है, मैटर करता कि आप कितने अवेयर हो। लाइक बड़े से बड़े लोगों को भी मैंने ऐसे इडियोटिक बिहेव करते हुए देखा है, लाइक जैसे पार्किंग के लिए झगड़ा करना और क्यू में होने के बावजूद आगे निकलने की कोशिश करना, और एक जो कॉमन बिहेवियर होता है जो हमेशा हमारे आसपास हो रहा है, तो उससे कुछ अलग देखने को नहीं मिलता, सब वो एक सेम एक वो सेम बिहेवियर से ऊपर कोई रिएक्ट कर ही नहीं पाता। अब आप बड़ी बिजनेस फैमिलीज में भी देख लो, तो अम्बानी ब्रदर्स के बीच में भी प्रॉपर्टी को लेके तो झगड़ा हुआ ही ना, जबकि वो लोग तो इतने रिच एंड उनके पास तो सब कुछ है, बट फिर भी आप उनके अवेयर होने का पॉइंट देख रहे हो कि लाइक वो झगड़ा नहीं टाल पाए। आई गेटिंग माई पॉइंट? कुछ कुछ लड़कियों का बिहेवियर कैसा होता है कि यदि आपने उनको बगैर मेकअप के देख लिया, लाइक बगैर आप उनको रेगुलरली देखते रहते हो या रेगुलरली वो आप पर वो क्रॉस होते हो और कभी आपने उनको बगैर मेकअप के देख लिया,
तो वो नाराज़ हो जाएंगी। और एक चीज़ और मैंने देखी है, मजे लेने की आदत, लड़के और लड़कियाँ अगर वो लोग ग्रुप में हैं तो चलो किसी के मज़े लेते हैं, या कोई है बाजू में तो चलो उसके मज़े ले लेते हैं, तुरंत मज़े ले लेते हैं, और उसी मज़े लेने को बुली करना बोलते हैं। तो ये भी एक बहुत कॉमन सा बिहेवियर है। और एक चीज़ और मैंने देखी कि आजकल छपरी रील्स देख देख के जो लड़के हैं वो ज़बरदस्ती में एग्रेसिव होने लगते हैं, लाइक वो सब छपरी रील्स, वो शेर जैसे बनो और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उस टाइप की जो प्रोवोकिंग रील्स होती ना, उनको देख देख के वैसा ही बिहेवियर वो बाहर भी करते हैं। और ऐसे अनअवेयर लोगों का जो नंबर है वो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ हमारी कंट्री में है, वो बाहर भी है, यूरोप वगैरह सारे डेवलप कंट्रीज़ में भी वही है, सेम टू सेम। बस ये उनकी पॉपुलेशन कम है तो ज़्यादा दिखता नहीं है, अदरवाइज़ वैसे तो वो बहुत वो बनते हैं कि लाइक हमारा, हम लोग डेवलप्ड हैं और हमारा एक बेसिक स्टैंडर्ड है, लेकिन जैसे ही उनको जब एक्चुअल कंपटीशन मिलता है ना तो तुरंत फिर वो सेम बिहेवियर पे तुरंत उतर आते हैं। वो देखो पत्थर फेंकना, सेम बिहेवियर। वो देखो वो भी पत्थर फेंक रहा है, वो देखो सेम बिहेवियर। पांचवा ग्रुप है गाइस जो मैंने देखा कि डैम पर आकर पत्थर फेंका, वो सेम बिहेवियर, यही मैं बात कर रहा था, सेम बिहेवियर, सेम पैटर्न देखने को मिलेगा आपको। चलो गाइस अब थोड़ी देर मैं अपना सिंगिंग सेशन लेता हूँ, सी यू लेटर गाइस। मैंने स्मेल के कारण मास्क लगा लिया तो लोग मेरे को वियर्ड वियर्ड आंखों से देख रहे हैं यार, आई वॉन्ट टू डू गाइस फाइनली ओवर द एज ओशन व्यू गाइस, मोटर बोट ग्रेट। ऊपर जाके मुझे रियलाइज हुआ कि जो लोग क्लिफ हैंगर्स होते हैं ना, क्लिफ हैंगर्स वो लोग जो पहाड़ों की क्लिफ चढ़ते हैं ऐसा करके, भाई क्या करेज होता होगा यार, वो इतने में ढेर हो गया। गाइस गेटिंग डार्कर हियर, तो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। तो गाइस जैम से मैं सीधा घर चला गया था और मैं अपने डिनर करके वापस आ गया हूँ, अभी मैं पार्क में बैठा हूँ और यहाँ बैठ के मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी एडिटिंग कर लेता हूँ। गाइस वो लोग आँख पे पट्टी बांध के कुछ खेल रहे हैं यार, ये गेम कितने दिन बाद देखने को मिला, इसको पता नहीं क्या बोलते थे, मैं तो नाम भी भूल गया। गाइस फैमिली शो है, अब आंटी के ऊपर दाम है, ग्रेट। गाइस आई एम फाइनली बैक टू होम, इसी क्लिप के साथ इस व्लॉग का करते दी एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आस्ता ला विस्ता, आदियोस अमिगोस, चाओ चाओ। थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा है पता नहीं क्यों।